हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में फेक्सो लाइफ 120 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। फेक्सो लाइफ 120 टैबलेट का मेनली यूज एलर्जी की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए उस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वेल फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते। डीआर जॉन्स लैब फार्मा कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 151 रुपये में मिल जाएंगी। दोस्तों, बताई गई कीमत समय के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। बात करते इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। फेक्सो लाइफ टैबलेट में फेक्सोफेनाडाइन आईपी 120 एमजी यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद फेक्सोफेनाडाइन यह ड्रग बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो सूजन, खुजली, एलर्जी का कारण बनते हैं। बात करते इस टैबलेट के यूजर्स के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल मेनली एलर्जी के लक्षणों में यूज करते हैं, जैसे कि नाक बहना, कंजेक्शन या अकड़न, लगातार छींक आना, खुजली, सूजन, आंखों से पानी आने की समस्या। इन समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इसे स्किन की एलर्जी, साथ ही खुजली, लालिमा या फिर सूजन की समस्या में भी यूज करते हैं। डॉक्टर इसे पित्ती या फिर अन्य स्किन प्रॉब्लम की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। डॉक्टर इसे सर्दी, जुकाम की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इस टैबलेट के अन्य यूज जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मेसी से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का इस्तेमाल अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोज आपके समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज़्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज़्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होना दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको उल्टी, मितली, सिर दर्द, दस्त, चक्कर आना, अपचन, नींद आना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, उस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट आए या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज़ ना करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट, मेडिसिन, सिरप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी अन्य समस्याएं तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट अपने डॉक्टर की सलाह से यूज करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।